हाँ आपकी लड़की यहाँ पर है, अंकल जैसे दिखने वाले लड़के के साथ खड़ी है। क्या बोल रहा है क्या मतलब बोल खुल के तो डर रहा हो? बीवी है मेरी। तो बीवी है तो मतलब बेटी जैसी उम्र वाली को बीवी बना रखा, शरम आना चाहिए तुमको। यहाँ फोन मेरा फालतू लगवा दिया तुमने। मेरे बाबू ने थाना थाया। भाई तू क्यों रो रहा है? तू भी अपनी गर्लफ्रेंड को वीडियो कॉल कर ले। अरे जोकर भाई। हाँ भाई। भाई तुम तो वही हो ना जो टिकटॉक पे जोकर वाला फेस बनाते हो। हाँ भाई। भाई बहुत बड़ा फैन हो, प्लीज एक बार बना दो यार। भाई ऐसे पब्लिक में नहीं बनाता ये। अरे मेरा फैन है यार, इसके लिए तो बनाना पड़ेगा। भाई प्लीज। भाई ये सब तो ठीक है पर वो जोकर वाला फेस बनाओ ना। अरे तो ये क्या था भाई? ये तो सुअर वाला था। साला मेरे को डराएगा, कल भी डरा दिया था मेरे को। डरा के ही रहूंगा आज तो। कौवा उड़, कौवा उड़, मोर उड़, मोर उड़, भैंस उड़, भैंस उड़, उड़ा दी हाथ कर अब पड़ेगी तेरे में ये। अभी अभी मुझे क्वारंटाइन का मतलब पता चला है, जैसे गुप्ता का गुप्ताइन, शुक्ला का शुक्लाइन, ठाकुर का ठाकुराइन और पंडित का पंडिताइन, वैसे कोरोना का क्वारंटाइन। तो घर में रहो, सेफ रहो। अंकल जी मैं आपकी बेटी से। बस कर, ये ले 50 लाख का चेक और निकल जा मेरी बेटी की जिंदगी से। नहीं अंकल जी, मैं एक सच्चा मर्द हूँ और मैं इन चंद रुपयों में नहीं बिकूंगा। अच्छा बेटी तू तो एक मर्द नहीं है ना? नहीं भाऊजी। तो ये ले 50 लाख का चेक और निकाल दे इसको अपनी जिंदगी से। ठीक है भाऊजी, जाओ भैया। निकल। दोस्तों आप सबके प्यार और आशीर्वाद से और मेरी मेहनत से आज दोपहर 1:30 बजे मेरे घर में 3.5 किलो का तरबूज लाया गया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ऊपर वाले से दुआ करो कि वो मीठा निकले। अबे भाई तू यहाँ पे खड़ा है और वहाँ पे तेरी बहन रो रही है, क्या बात कर रहा है? जल्दी चल। क्या हुआ छुटकी? भैया भीम ने इंदुमती से शादी कर ली है। क्या बात कर रही है? पर मैं तेरे को इंसाफ दिला के रहूंगा, भीम के पास चल। क्यों मेरी बहन ने तेरे को जीवन भर लड्डू खिलाए और तू इंदुमती से शादी कर रहा है? साले मेरे को पहले ही पता था कि तू उसको धोखा देगा। अबे एटीट्यूड देख रहा है इसका, हंस रहा है, बोल कुछ नहीं रहा है, बड़ा आदमी बन गया ना। चल मेरी बहन के लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढूंगा भाई। लड़कियां मर तो सकती है लेकिन किसी को धोखा नहीं दे सकती, बाकी का झूठ कल बोलूंगा। भाई सुन, चलो ना। अरे कहाँ चलो? चाशनी बनाएंगे। अरे जाओ उधर। रसगुल्ले भी बनाएंगे। अरे जा रहा हूँ तेरे में, दूं तेरे में अभी। सारी मिठाई। अरे जा रहे उधर। ए चिकने। अरे जाओ उधर यार, भाई यार तू यार कहाँ से आया तू? यहीं से आया हूँ, चलना। ए जाओ उधर। ए आज तो क्या बैटिंग करी? अरे क्या बात है भाई, क्रिकेट खेल के आ रहा है? अरे हाँ भाई। अरे वाह भाई, कितने रन मारे? अरे भाई मेरी सेंचुरी होने वाली थी, बस 99 रन कम रह गए। अच्छा। हमारे देश की जनता से एक रिक्वेस्ट है कि सब लोग मिलके कोरोना की एक एक झूठी कसम खाओ, साला अपने आप मर जाएगा। अरे क्या हुआ भाई, रो क्यों रहा है? भाई तेरे को याद है कुछ दिन पहले मेरे घर पे लड़का हुआ था? ये तो अच्छी बात है। मैं उसका नामकरण कराने के लिए एक बाबा के पास लेके गया तो बाबा ने बोला कि सबसे पहले ये जिसका भी नाम लेगा वो आदमी मर जाएगा। अच्छा भाई किसका नाम लिया पहले? उसने बोला पापा। अरे भाई पर तू तो जिंदा है ना? मैं तो जिंदा हूँ पर मेरा पड़ोसी मर गया। हमारे वो शादी में 3 तरह के लोग होते हैं, पहले तो ये, और दूसरे ये, तीसरे लोग ऐसे होते हैं कि समझ में ही नहीं आता शादी में आए या किसी तांत्रिक के पास। बेबी अगर तुम 2 मिनट में नहीं आए ना मैं किसी और को गर्लफ्रेंड बना लूंगा। क्या नहीं आ रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या क्या कर रहे हो? मैंने आप तो मेरा पता से क्यों ले रहे हो? अरे तो आप ही को तो गर्लफ्रेंड बनाया है। पागल पागल हो के दिमाग खराब है क्या? क्या दिमाग खराब है? पागल हो जाओ यहाँ से। अरे तो उससे ब्रेकअप करके आपको गर्लफ्रेंड बनाया ना मैंने। अरे आप जाओ यार आप तो जाओ। भाई सुन, आज है ना घर के बाहर ही सोना। क्यों? अब घर में घुस के मारूंगा। क्यों?
पहलवान हूँ ना मैं। हाँ पहलवान हूँ, चल निकल। कहाँ निकल? निकल घर में घुस के मारूंगा, पहले ही बता दे रहा, बाद में ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं। क्या है, क्या क्या है? ऐसे बात कर रहा है? घर में घुस के मारूंगा मैं। चल निकल। हेलो अंकल, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी लड़की का आपने एक बॉयफ्रेंड पता करने को बोला ना, ये दो दो लेके बैठी है। भाई किसको बोल रहे? किसको क्या बोल रहे? तुमको ही बोल रहा हूँ ना। और अंकल दोनों की शकल ऐसी है ना, एकदम कॉकरोच जैसी, बता रहा हूँ मैं आपको पहले ही। ये मेरे किसको बोल रहे तुम? क्या है ये? भाई है। अंकल क्या कर रहे हो आप, पहले बोलना चाहिए ना यार भाई के साथ। एक्सक्यूज मी, आप इधर से जा रहे हो क्या? तो आप इधर से मत जाओ, इधर पुलिस वाले 15,000 का चालान काट रहे हैं। आपको क्या करना है? मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, 10,000 की गाड़ी। एक तो शकल आपकी ऐसी कि सबसे पहले आपको रोकेंगे। अरे कुछ भी, आप अपना काम करो। मैं मेरा कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ देश का भला चाहता हूँ। और आपको अगर नहीं करना तो आप मेरे को क्या लेना देना, मत जाओ। दिखा दी ना औकात, आ गई ना लाइन पे। मैंने तेरे को इतना प्यार किया, आईफोन दिलवाया, आईवॉच दिलवाया, आईपैड दिलवाया है, और तू ये सूखी भिंडे के साथ बैठी हुई है यहाँ पे। तू क्या देख रहा है सीना तान के? भाई हो उसका बहन डर गई, बहन डर गई। ये ले रे, क्या है? अबे मेन्यू है ना, दिख नहीं रहा क्या? तो ऐसे कौन देता है? ऐसे ही देते, सर्विस यहाँ की ऐसी है। अरे का दिमाग खराब है तेरा? दिमाग क्या खराब है तेरा, मुंह कैसा हो रहा है? पागल है क्या? पागल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, है ना। और क्या है, क्या है? सेठ कौन है अपना? मैं ही सेठ हूँ यहाँ का। ये सेठ वेट को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं ही सेठ हूँ यहाँ का। बुलाओ सेठ को, बुलाने निकल यहाँ से, चल निकल। नहीं बैठना है आपने, मतलब पहलवानी झाड़ेंगे क्या? अरे भाई तुम्हारे भाई ने लड़की पटा ली। वाह यार भाई, उसी का फोन आ रहा है। हाँ बेबी। नहीं नहीं बस दो मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ पहुंच ही रहा हूँ। भाई भाई तू ये बनाना से क्यों बात कर रहा है? अरे तुम एप्पल से बात कर सकते हो तो मैं बनाना से क्यों नहीं कर सकता हूँ? अबे क्या हो गया भाई, क्यों रो रहा है? अरे भाई मेरी बीवी खो गई। अबे तो पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखवाना। अरे नहीं भाई, रिपोर्ट नहीं लिखवा सकता। क्यों भाई? पिछली बार मेरी बाइक खो गई थी तो उनने 10-15 दिन यूज करके दी थी। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। अबे अगर तूने मेरे को 2 मिनट में आई लव यू नहीं बोला ना, मैं तेरे को बता रहा हूँ मैं नई गर्लफ्रेंड बना लूंगा। क्या नहीं बोल रही है? एक सेकंड ये पकड़ना, तेरी ऐसी की तैसी करवा अब तू। चलो क्या बोल रही हूँ, क्या क्या बोल रही हूँ? नई गर्लफ्रेंड बना, पागल नहीं है? लाखों ऐसे ही किसी को कुछ भी बोलो। मैडम मेरा लाखों का नुकसान हो गया। ओ मैडम, उसके ऊपर लाखों रुपए खर्च करे मैंने। हाँ बेबी, नहीं नहीं कल अपन पिज्जा खाने पक्का चलेंगे। मेरी एक बार बात कराना। अब पागल है क्या? मेरी गर्लफ्रेंड से देखो क्यों बात करो। अरे नहीं नहीं बेबी, ऐसे पागल आदमी है यार। भाई एक बार बात करा दे भाई। अबे घर जाके जितनी चाहे बात कर लेना, तेरी तो बहन है। दोस्तों मैं काफी दिन से नोटिस कर रहा हूँ, आप मेरे वीडियो लाइक ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि भाई मोबाइल देना, कॉल करना है। कॉल करना है, ये ले भाई। दोस्तों मैं बहुत गरीब हूँ, प्लीज मेरे वीडियो लाइक कर दिया करो, आप लोगों को पता ही। भाई ये ले तेरा आईफोन। अबे मेरा थोड़ी ना, निकल यहाँ से। दोस्तों ये गाड़ी भी मैं मांग के ही चला रहा हूँ। अबे भाई तेरा ही है। अबे मेरा नहीं है, निकल यहाँ से। दोस्तों ये कपड़े भी मैंने मांग के पहने, प्लीज मेरे वीडियो लाइक कर देना। अबे मोबाइल ले उससे जाके, मोबाइल ले। अच्छा बेटा बताओ, सुबह सुबह सबसे पहले क्या निकलता है? टट्टी। अबे सूरज निकलता है सबसे पहले, सूरज। हमारे यहाँ के लोग हॉस्पिटल से ठीक होके आते हैं तो क्रेडिट डॉक्टर को नहीं देते हैं, कहते हैं 10,000 रुपए हॉस्पिटल में भरियो तब जाके ठीक होयो, वरना मरी जातो। क्यों भाई साहब, ये प्रधान जी का घर किधर है? अरे हाँ हाँ भाई साहब, मेरी बीबी कल ही मरी है। अरे नहीं भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ प्रधान जी का घर किधर है? अरे हाँ भाई साहब, वो तो गाँव में सबसे ज्यादा सुंदर थी। अरे भाई साहब प्रधान जी का घर। अरे भाई किससे बोल रहा है वो बेरा है? अबे काली किसको बोल रहा है बे? तेरा तो बाप भी लाइन मारता था उस पे। ओहो ये बीच वाली तो क्या कहर डा रही है, एकदम मलाई की तरह चलती हो गया 9 से 12। ओए होए लॉन्ग ड्राइव पे चल चल, क्या बात है। अबे भाई मिट्टी क्यों खोद रहा है? अरे भाई मेरे पापा ने बोला कि तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया, तो बस वही ढूंढ रहा हूँ। भाई कल मेरे मोबाइल का नेट खत्म हो गया था। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, तो मैं 3-4 घंटे ना घर वालों के साथ बैठ गया। भाई बहुत अच्छे लोग है वो। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे इतरा के क्यों चल रहे हो यूं?
आप ही चल रहे हो ना, अगर आप मेरे को पटाना चाहते हो ना तो दो मिनट में बोल दो, मैं दो मिनट में पट जाऊंगा। मैं क्यों पटाना चाहूंगी आपको? तो आप मत पटाओ, मैं आपको पटा लेता हूँ। मेरा दिल इतना बड़ा है किसी लड़की को मना नहीं करता। जाओ उन लड़की के पास। कौन सी लड़कियाँ? अरे आप में इतना एटीट्यूड है, मेरे को पटाना ही नहीं है, मैंने गलत ही लड़की को रोक लिया। अरे भाई साहब, आपकी लड़कियाँ हमें बहुत पसंद है, बहुत संस्कारी लड़की है आपकी। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब तो रिश्ता पक्का समझे? भाई साहब रिश्ता तो पक्का ही है, लेकिन पहले आप बालक से तो मिलवा दीजिए। आना जरा। नमस्ते अंकल। क्या संस्कार दिए भाई साहब आप। भाई साहब तो रिश्ता पक्का समझे? भाई साहब रिश्ता तो पक्का ही है, लेकिन पहले आप दहेज में सामान लेन देन की बात कर लो। सामान लेन देन? हमारे पूरा खानदान में कभी दहेज में सामान लेन देन नहीं करा होगा, क्यों भाइयों? हाँ भाऊ जी। क्या संस्कार है भाई साहब। हाँ बैठो बैठो। भाई साहब देखो, दहेज में सामान लेन देन तो नहीं लेंगे, 20-25 लाख रुपए नकद दे देना। बेटी चलो, यहाँ पे अपने को रिश्ता नहीं करना है।